फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विजेता अल्विश यादव को आखिरकार जमानत मिल गई। हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि आखिर अल्विश यादव को कब जमानत मिलेगी, क्योंकि अल्विश यादव के ऊपर कई ऐसी धाराएं लगाई गई थी जिसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल था। लेकिन आज आप ये समझिए कि आखिर अल्विश यादव को किस आधार पर जमानत दी गई है। जब उनको जमानत दी गई तो 50,000 के मुचलके पर जमानत दी गई, साथ ही उनके दो साथियों को भी जमानत दे दी गई है। लेकिन कोर्ट में जो है उनके वकील, उनकी तरफ से ये कहा गया कि देखिए NDPS एक्ट जो लगाया गया था नोएडा पुलिस की तरफ से, वो हटा दिया गया है। दरअसल कल कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। नोएडा पुलिस की तरफ से ये बताया गया कि हमने NDPS एक्ट जो लगाया था वो गलती से लगा दिया गया था और इसीलिए हम उस धारा को जो है वो बदल रहे हैं। अब आपके लिए ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर NDPS एक्ट जो है वो किसके ऊपर लगाया जाता है। दरअसल NDPS एक्ट उन लोगों के ऊपर लगाया जाता है जो किसी भी तरीके से ड्रग्स या किसी भी तरीके से किसी नशीले पदार्थ से जो है जुड़े हुए होते हैं, उनका नाम जो है किसी ऐसे मामले में निकलकर सामने आता है जो ड्रग्स या किसी नशीले पदार्थ से जुड़ा हुआ होता है, और इसीलिए अल्विश यादव के ऊपर NDPS एक्ट लगाया गया था। लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही कि इसी को आधार बनाकर जो है अल्विश यादव के वकील ने कोर्ट के सामने इस बात को रखा कि अगर अल्विश यादव के ऊपर NDPS एक्ट नहीं लगाया गया है तो उन्हें जमानत दी जा सकती है, और कोर्ट ने जो है उन्हें जमानत दे दी है, 50,000 के मुचलके पर जमानत दी है। लेकिन अभी और भी ऐसी धाराएं हैं जिनको लेकर यह कहा जा रहा है कि अल्विश यादव की आने वाले समय में गिरफ्तारी हो सकती है। साथ ही अल्विश यादव को यह भी निर्देश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं कि जब भी पुलिस की तरफ से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा उन्हें कोर्ट के अंदर हाजिर होना होगा, उन्हें पुलिस के सामने हाजिर होना होगा। लेकिन अब आप ये समझिए कि आखिर अल्विश यादव का नाम जो है वो किस चीज में निकलकर सामने आया था। दरअसल नोएडा में एक रेव पार्टी का आयोजन किया गया था जिसमें कई जहरीले सांप मौजूद थे, जिसमें कोबरा तक मौजूद था, और जब पुलिस की तरफ से वहां पर छापेमारी की गई तो वहां पर 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई। साथ ही उन वो जो वहां पर जहर मौजूद थे उनको भी जांच के लिए उनका सैंपल भेजा गया, जिसके बाद जब जांच रिपोर्ट सामने आई तो इसमें ये बात निकलकर सामने आई कि हां वो जो है जहरीले सांप थे। अब ये जहरीले सांप का लिंक जो है वो सीधे सीधे अल्विश यादव से जुड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए थे उन्होंने अल्विश यादव का जिक्र किया, उन्होंने ये कहा कि हां अल्विश यादव ही जो है ये जहरीले सांप जो है वो यहां पर लेकर आता था। इतना ही नहीं, बात तो ये भी निकलकर सामने आई थी कि जब पुलिस ने अल्विश यादव से पूछताछ की तो सूत्रों के मुताबिक अल्विश यादव ने इस बात को कबूल किया कि हाँ वो उन 5 लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी, वो नोएडा में उस रेव पार्टी के अंदर मौजूद थे और वही इन सांपों की तस्करी की डीलिंग जो है वो किया करते थे। हालांकि अब जो है अल्विश यादव को जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन ये पूरा मामला जो है वन्य जीवन अधिनियम के तहत आता है, तो ऐसे में आने वाले समय में अल्विश यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है।